नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हम एल्क माइंड के मंथली चार्ट पे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चार्ट एक अप ट्रेंड में है, यानी कि इस शेयर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। जब शेयर्स अप ट्रेंड में होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर्स काफी अच्छा कर रहे हैं और इसमें काफी अच्छी बढ़त आ चुकी है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 18,219 करोड़ है और इसका जो डेट है यानी कि कर्ज 34.7 करोड़, यानी कि ये कंपनी कर्ज मुक्त है। और इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 74% है, यानी कि जो इसमें प्रमोटर्स की पकड़ है वो काफी अच्छी है। जब मार्केट कैपिटल और कंपनी डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त होती है और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी उस शेयर में काफी अच्छी होती है, तो इन शेयर्स में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हर एक कैंडल 1 वीक का होता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। आज जो है शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन इस कैंडल का आज लास्ट दिन है। जब ये कैंडल क्लोज होगी, यानी कि कैंडल जब इस हमारी जो ग्रीन कैंडल है इस कैंडल के अंदर ही क्लोज होगी और इसी सीमित दायरे में ये ट्रेड करती रहेगी, तो इधर हमारा एक बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और इस बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बैरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और जब बैरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो एक हमें इंडिकेशन देता है और एक बात हमें समझाता है कि यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉफिट है बुक कर लेना है, या तो फिर आप अपना आधा प्रॉफिट बुक करके ले सकते हैं और आप आधा अपना होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक हमें इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है।